हैदराबाद के किला ग्राउंड की तरफ आए। ये बना हुआ है किला ग्राउंड, आप जैसे कि देख सकते हैं। इसके साथ एक खूबसूरत बाकायदा आप इसके देख सकते हैं किले की तरह, पुराने दौर के किले होते थे उसी तर्ज पे बनाया गया गेट। और आगे मैं आपको कच्चे किले की तरफ भी लेके चलता हूँ, कच्चा किला भी आपको दिखाता हूँ, जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पक्के किले पे आया हूँ, यहाँ पे कहा जाता है बाबा की गुफा है, कोई मज़ार भी बना हुआ है। ये मज़ार के बारे में एक भाई से पूछते हैं कि किस चीज़ का मज़ार है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की नकली रास्ते और पुरानी जगह है, मगर अगर इसकी केयर की जाए तो यह तारीखी मकाम आते हिफाजत की जाए तो। ये है बाबा की गुफा। ये बाबा की गुफा बहुत पुरानी है, ये पक्के किले में वाक़ है, और इसके साथ ही एक मज़ार भी है। मज़ार सामने की जानिब आप देख सके हैं बना हुआ है। इसी से आप जब नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपको एक अस्तमल नज़र आएगा, गुफा टाइप। ये कहा जाता है बादशाह का अस्तमल है, इधर बादशाह अपने घोड़े खड़े करते थे। और आप देख सकते हैं कि कदीम बिल्डिंगें और खुशादा हवाएं हैदराबाद की, और इस बिल्डिंग के दीवारों को आपको देख के पुराने दौर की यादें ताज़ा हो जाएंगी कि पुराने दौर का किला किस तरीके से, किस मजबूती के साथ मनाया गया था। ये किला अंग्रेज़ों से पहले का किला है, और इसमें एक बहुत बड़ी आबादी रहायश फरमाए। और फिर हम इस गुफा की जानिब गए, जिसे बताया जाता है कि ये घोड़ों का अस्तमल होता था। इस अस्तमल के साथ ही आप देख सकते हैं कितनी पुरानी बिल्डिंग है, और अगर इसकी खूबसूरती को, और एक मज़दूर ने हमें बताया कि यहाँ पे हम अभी काम करें, ड्रेनेज का यहाँ पे काम चल रहा था, तो इनसे भी हमने बात की। फिर हम गुफा की जानिब गए, हमने कहा इस गुफा को करीब से देखा जाए और इस गुफा के बारे में आपको बताया जाए। तो ये गुफा बहुत बड़े तरीके से बनी हुई थी, और घोड़ों का अस्तमल भी था, तो बहुत ही नहायती नफीस तरीके से बनाया गया था, क्योंकि इतने सालों बाद भी ये अपनी हालत में अभी भी मौजूद है। अगर इसकी केयर की जाए तो ये बहुत अच्छा घूमने की एक सियाही मकाम है। सयाह आके देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, मगर हम दूर से ही देख रहे थे, करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इसकी हालत बहुत खस्ता थी, हमें गिरने का डर था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा, उस दौर के हिसाब से हमारे मुसलमान हुक्मरान ही हुआ करते थे, ये अंग्रेज़ों के दौर से भी पहले का है। ये कच्चे किले के साथ ये पक्का किला है, और आप देख सकते हैं कितनी वसी दीवारें हैं। अब इन दीवारों में आपको बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें वो नुमाया होंगी। और यहाँ पे एक मज़ार भी मना हुआ है, जैसे मैंने बताया बाबा की गुफा कहा जाता है इसको। बाबा की गुफा से फिर हम फिर ऊपर की जानी वापस जाने लगे सीढ़ियों, और इस दिलकश दरवाज़े को देख के मेरा दिल वाकई में एक अजीब सी कैफियत आ रही हो गई कि वाकई में मुसलमानों ने किस जद्दत से किला मनाया था, और इस किले की तारीख अपने आप में एक मिसाल की मानी है। और अगर इसकी सफाई सुथराई और इसकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है। और अभी हम आगे हैं पक्के किले की गलियों के अंदर। ये बहुत कदीम घर हैं, और इनकी गलियों की आप देख सकते हैं किस तरीके से बने हुए हैं। ये आज़ादी के बाद से हमारे जो माइग्रेट होके भाई आए थे वो इधर बस गए थे, इधर रहायश पज़ीर थे। एक खूबसूरत मस्जिद भी है, और मस्जिद के साथ छोटी छोटी गलियाँ हैं। गलियाँ जैसे कि लाल ईंटों से बनाई जाती हैं, लाल ईंटों से बने हुए छोटे छोटे सी गलियों में घर, वो एक अपने में एक खूबसूरती का पैगाम दे रहे थे, जो मेरे पर एक कैफियत तारी हो रही थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत हैदराबाद का एक हसीन मंज़र मैं आपके साथ शेयर। ये जैसे कि देख सकते हैं पुरानी इमारत अपने आप में एक फन तामीर है। ये अब बाबा की गुफा से हम वापस आ गए हैं, और अब आपको कुछ शहर के मनाजिर दिखाते हैं। जो शहर कदीमी शहर है हैदराबाद, ये सिंध का तारीखी शहर हैदराबाद है।
इसकी आप देख सकते हैं कि कैसी कदीम गलियां हैं। ये गलियां छोटी इसलिए हैं कि ये पहले के दौर की और पहले की तर्ज की बनी हुई बिल्डिंगें हैं, इसको उसी तरीके से हिफाजत के तौर पर रखा गया है। इन गलियों में वैसे तो ट्रैफिक का फ्लो बहुत होता है, मगर जिस दिन हम गए थे उस दिन स्ट्राइक थी, इस वजह से ये गलियां खाली थी, वरना ये गलियां अपने आप में एक आवाम का एक रश होता है। कितनी खूबसूरत सी बिल्डिंगें, ठंडी हवाएं, हैदराबाद की आप देख सकते हैं ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिलकश नज़ारे हैं। और अभी हम जा रहे हैं कच्चे किले की घर के दीवारों से मुलक बाज़ार है। ये बाज़ार कदीमी बाज़ार, पुराना बाज़ार है, और आप देख सकते हैं कि दोनों जानब पुराने तर्ज के घर बने हुए हैं। और इस गलियों में आप देख सकते हैं कि पुराने तर्ज के घर, और ये बिल्कुल पक्के किले की दीवार के साथ मुलक ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद आ जाती है आगे जाके मस्जिद, जामा मस्जिद औरंगज़ेब। ये जामा मस्जिद औरंगज़ेब है, इसकी फन तामीर बहुत खूबसूरत है। जब हमने इसको करीब से देखा तो हम देख के बेमिसाल हो गए कि मुसलमानों ने किस खूबसूरती से इस मस्जिद की तामीर की थी। और ये आज भी देख के दिल खुश होता है कि क्या मिसाल है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। दुआ चौक है और इसके साथ भी एक खूबसूरत कदीम बिल्डिंग है। और जितना हो सका मैंने आपको ब्लॉग करके दिखाया हैदराबाद का, अभी भी हैदराबाद में मैं हूँ और हैदराबाद की तारीखी जगह है, और खाने पीने मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।